दोस्तों जय श्री राधे कृष्णा, जय बजरंगबली। दोस्तों कभी भी किसी को देखकर छलांग मत लगाना। अगर आप सोचो कि ये फोर व्हीलर से घूम रहा, हम भी कल घूमें, तो कल का इंतजार आपको करना है, लेकिन कल ही आपको फोर व्हीलर नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। जैसे कि बंदर को देखकर अगर हाथी छलांग मारेगा तो अपना पांव तोड़ लेगा। तो आपको कुछ जो है सोच समझकर काम करना है, जिसमें आपका बिजनेस व्यापार अच्छा हो जाए, लव लाइफ अच्छी हो जाए, आपका करियर अच्छा हो जाए, शिक्षा अच्छी हो जाए, नौकरी मिल जाए। उसके लिए दोस्तों आज का आपका भाग्य क्या कह रहा है। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं तुला राशि के बारे में। दोस्तों आखिर आज के दिन आपका भाग्य कहाँ कह रहा है और आज के दिन आपको किन क्षेत्रों में लाभ होने वाला है और किन क्षेत्रों में आपको ज्यादा नुकसान मिलने वाला है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको डिटेल से बताएंगे। 14 जनवरी 2023 शनिवार का दिन है और आज के दिन आपका भाग्य क्या कह रहा है, सब कुछ इसी वीडियो में आज हम आपको डिटेल से बताएंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा होगा, जल्दी से दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं तुला राशि के राशिफल के बारे में। ये दोस्तों प्रश्न चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन दोस्तों आज का पंचांग नहीं बताया है, ये जान लेना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो दोस्तों आज का पंचांग 14 जनवरी 2023 शनिवार का दिन है और माघ मास के कृष्ण पक्ष की आज सप्तमी तिथि है और आज का जो नक्षत्र है वो हस्त है। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 11:37 से लेकर दोपहर 12:38 तक रहेगा और आज के दिन जो सूर्य उदय होगा सुबह 6:22 पर होगा और आज के दिन जो चंद्रमा की स्थिति रहेगी, चंद्रमा गोचर करेंगे वो कन्या राशि पर करेंगे और आज का जो अशुभ समय होगा वो आज शाम तकरीबन 4:01 से लेकर शाम 5:02 तक रहेगा। इस अशुभ समय में कोई भी शुभ कार्य ना करें, नहीं तो आपके काम में विघ्न बाधाएं आ जाएंगी। दोस्तों अब हम बात करेंगे तुला राशि के भाग्य के बारे में। आखिर आज के दिन आपका भाग्य क्या कह रहा, आपको किन क्षेत्रों में आपको लाभ होने वाला। तो शिक्षा करियर आपको आज के दिन थोड़ा लाभ देने वाला है। आज के दिन आपका शिक्षा में मन लग सकता है, उसके साथ साथ आपका करियर भी अच्छा रहने वाला है इस साल। और आज से आपको कुछ पैसों से रिलेटेड कमी कम आएगी, पैसे आपके घर पर आते रहेंगे, लेकिन दोस्तों पैसे जैसे ही आपके घर पर एंट्री मारेंगे और जैसे ही पैसा आपके घर पर एक्स्ट्रा बढ़ने लगेगा और आपके घर पर रुकने लगेगा, लेकिन दोस्तों उसी के साथ आपके घर पर खर्चे आने लगेंगे। तो आपको क्या करना है, खर्चों को कंट्रोल करना है, नहीं तो आपके घर पर जितना भी पैसा आया है वो फिर से बाहर की ओर जाने लगेगा। तो आपको खर्चों को कंट्रोल करके रखना है, नहीं तो आपका पैसा फिर से चला जाएगा। उसी के लिए दोस्तों आप लोगों का बिजनेस व्यापार में पैसा ज्यादा मिलने की संभावना है। जो लोग जो है नौकरी करते हैं उनको नौकरी में कुछ बढ़ावा मिल सकता है, यानी कि आपकी सैलरी बढ़ सकती है। और जो लोग नौकरी की अदला बदली करना चाहते हैं वो जरा सोच समझ के करें, नहीं तो आपको नुकसान हो जाएगा। आप लोग जहां पर नौकरी कर रहे हैं वहां पर ठीक है, अगर अदला बदली करेंगे तो आपका घाटा आ सकता है। उसी के साथ साथ आपका बिजनेस व्यापार अच्छा रहने वाला है इस साल और शिक्षा करियर में आपको कुछ फायदा देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ आपका लव लाइफ भी अच्छा है, शादी के योग इस साल ज्यादा बन रहे हैं। जो लोग शादी के पीछे पड़े हुए हैं, शादी करना चाहते हैं, उनकी शादी इस साल होकर रहेगी। उसी के साथ जो लोग जो है बिजनेस व्यापार में जो है लोन लेना चाहते हैं वो जो है बैंक में लोन पास करा सकते हैं और उस लोन से उनको फायदा होगा और उनका बिजनेस व्यापार चलेगा और उससे वो लोग पैसा भी कमाएंगे। और आपके घर पर कुछ नई खुशियां आ सकती हैं, जैसे आपके घर पर कुछ नई चीज आ सकती है, गाड़ी वाहन मोबाइल आदि आपके घर पर आ सकता है, जिससे आपके घर पर खुशियों का माहौल बना रहेगा। उसी के साथ साथ आपका बिजनेस व्यापार ज्यादा अच्छा रहेगा और आप लोग जो नया सोच रहे हैं, आपके मन में जो है कुछ नया करने के लिए है, वो इस साल आप कर पाएंगे। वो आप बताना किसी को नहीं चाहते हैं कि हम इस साल क्या करना चाहते हैं, वो इस साल आप लोग करके रहेंगे। इसीलिए दोस्तों एक बार सच्चे दिल से जय लक्ष्मी माता जरूर लिखिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय लक्ष्मी माता।